Let me introduce you to my new friends you can see behind. ये पीछे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया है. This place is a restaurant. This place is ice cream parlor. Namaste, Sasriyakal. कैसे हैं आपके हाल? मेरा नाम है रितु एंड टुडेज व्लॉग विल ऑलवेज बी स्पेशल टू माय हार्ट. आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज इट्स माय फिफ्थ व्लॉग. आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम इन सैन फ्रांसिस्को. आई एम सेइंग इट बिकॉज आई विल बी गोइंग टू अ प्लेस विच इज एक्सट्रीमली क्लोज टू माय हार्ट. जब हम छोटे थे तो वर्ल्ड मैप बनाते थे और वर्ल्ड मैप के अंदर जब और थोड़ा बड़ा हुए तो देखने लगे कि इस पूरी जो कंट्रीज है, जो कॉन्टिनेंट्स है, इसके अंदर क्या है. सो दिस इज द फर्स्ट प्लेस. गोल्डन गेट इज द फर्स्ट प्लेस जो मुझे हमेशा से जाना था. आई डोंट इवन रिमेंबर कितने साल, आई डोंट इवन रिमेंबर मुझे कब पता लगा, बट ऑल आई रिमेंबर इज कि मुझे यहाँ हमेशा से जाना था. We've taken a stop by right now. We are at Baker's Beach and this is Golden Gate behind me. Finally we have reached Golden Gate. It's breathtakingly beautiful. बहुत बहुत सुंदर है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि exactly color कौन सा है. Is it red? Is it orange? Is it रस्टिक? एग्जैक्टली द कलर इज नोन एज इंटरनेशनल ऑरेंज. हुआ क्या कि जब ये लोग बना रहे थे ब्रिज तो बहुत सारे कलर्स का सजेशन आया. यूएस नेवी ने बोला था येलो और ब्लैक कर लो, किसी को भी बोल रहा था ब्लू कर लो, लेकिन फाइनली जो आर्किटेक्ट थे इन्होंने एक बार जब सामान आ रहा था उन्होंने देखा कि कहीं जगह थोड़ा सा रस्टिक प्राइमर लगा हुआ था. उनको वो कलर इतना पसंद आया, उन्होंने लैंडस्केप पे ऐसे लगा के देखा और वो कलर इतना सुंदर लगा कि उन्होंने पूरा का पूरा गोल्डन गेट उससे पेंट कर दिया. We are right now walking on the bridge. It's 1.7 miles long. This is from here. It connects San Francisco area to Marin County. This is the view from the bridge. ये पीछे San Francisco Bay area है. उधर पीछे पूरी San Francisco की skyline है. बीच में जो छोटा सा आइलैंड है दैट इज अल्कैट्राज. दिस इज द ब्रिज और ब्रिज के उस तरफ पैसिफिक ओशन है. मतलब एक तरफ बे एरिया है और एक तरफ पैसिफिक ओशन. राइट नाउ वी हैव क्रॉस द ब्रिज एंड वी आर इन मरीन काउंटी. दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर. Now we are walking on Lombard Street. It has total 8 sharp turns and this street that is behind me is one of the crooked streets in the entire world. This is Ghirardelli Square. Yahan pe bahut saal pehle Ghirardelli ek brand hai, uski ice cream milti thi aur ab bas ek shop reh gaya hai aur ye pura complex inki factory hua karta tha aur ab yahan pe alag alag different kind ke stores ho gaye. A restaurant. This place is ice cream parlor and this place is a shop of a Ghirardelli factory. यहाँ पे अभी भी छोटी सी मशीन है जहाँ पे आप लाइव देख सकते हो कि चॉकलेट कैसे बनती है. Right now we are at Fisherman Wharf, one of the famous place. Till 1960s यहाँ पे actually में fishing की trading होती थी. लोग आते थे, fishes खरीदते थे, लेकिन अब चीजें change हो चुकी है. ये पूरा जो entire town है it has been transformed. यहाँ पे छोटे छोटे shops हैं, cafes हैं, छोटे shopping के लोग यहाँ पे आते हैं.
दिस इज द सेंटर ऑफ फिशरमैन बॉक्स. ये बहुत हैप्पी प्लेस है. पता बचपन में हम लोग मेला जाते थे ना, एग्जैक्टली वैसा लग रहा है. यहाँ पे एक स्टेट परफॉर्मर है जो परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे देर आर ट्रैम्स, देर आर हॉप एंड हॉप बसेस. Right now we are entering Pier 39. It is one of the famous places over here. और यहाँ से आपको sea lions दिखते हैं, यहाँ से आपको अल्कैट्रास दिखता है और यहाँ से आपको गोल्डन गेट ब्रिज दिखता है. जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये अल्कैट्राज है. पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी जेल हुआ करती थी जिसमें यूएस के ऐसे कैदी जिन्हें जो भाग जाएं उनको रखा जाता था. और अब ये जगह म्यूजियम बन गया. इसका टिकट ऑलमोस्ट $80 to $100 है, विच इज टू एक्सपेंसिव. ऑल्सो अगर हमने अभी ट्राई किया बुक करना तो हमें जो बुकिंग है वो 15 दिन बाद की मिली. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई न्यू फ्रेंड्स. यू कैन सी बिहाइंड, दीज आर सी लायंस. यहाँ पे ये लोग काफी साल से हैं और इतना ही चिल और इतना ही रिलैक्स मारते हैं. Vibe of the place is very happy. अगर आप कभी भी सैन फ्रांसिस्को आए तो पियर 39 आना बिल्कुल बनता है. बिहाइंड मी यू कैन सी दिस इज डबल डेकर क्रॉस. दिस कम्स टू द एंड ऑफ द डे. आई होप यू लाइक माई व्लॉग. इफ दैट इज द केस यू नो व्हाट यू हैव टू डू. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. फ्री है, कर दो ना यार.